नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे शेयर करेंगे तीन मुख्य टेस्ट जिनसे आप निसंतानता के कारण के बारे में जान सकते हैं। यदि आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं और अभी तक आपको बच्चा नहीं हुआ तो आपको महंगे टेस्ट या इलाजों के लिए जाने की जरूरत नहीं है, उससे केवल पैसा और टाइम बर्बाद होता है। ये तीन सिंपल और इकोनॉमिकल टेस्ट हैं जिनसे आपको इनफर्टिलिटी, वांछपन या निसंतानता के बारे में आसानी से पता चल सकता है। पहला टेस्ट, ये टेस्ट एक पुरुष का टेस्ट है जिसको हम सीमन एनालिसिस कहते हैं, यानी कि पुरुष के शुक्राणु का टेस्ट। पुरुष के शुक्राणुओं में देखा जाता है कि उनका काउंट, मोटिलिटी यानी कि आगे बढ़ने की क्षमता, और मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार कैसा है। यदि काउंट, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा शुक्राणु आसानी से अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, लेकिन इसके आसान इलाज उपलब्ध है। दूसरा टेस्ट यानी कि AMH टेस्ट। बॉडी में एक हार्मोन होता है, ये फीमेल का टेस्ट है, जिसमें कि अंडा पैदा करने की क्षमता के बारे में जाना जाता है। इस हार्मोन को कहते हैं एंटी मलेरियन हार्मोन। ये एक सिंपल टेस्ट है जिसमें महिलाओं में अंडा पैदा करने की क्षमता के बारे में जाना जा सकता है। और तीसरा टेस्ट है AFC, ये भी एक महिलाओं का टेस्ट है जिसको एंटीरियर फॉलिकुलर काउंट टेस्ट कहते हैं। ये अल्ट्रासाउंड द्वारा किया जाता है और अल्ट्रासाउंड के टेस्टिंग से ये पता चलता है कि महिलाओं में कितने फॉलिकल्स हैं जो अंडे के रूप में तब्दील हो सकते हैं। ये भी एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिससे निसंतानता के बारे में जाना जा सकता है। इन टेस्टों को कराने के लिए आप हमारे विश्व स्तरीय फर्टिलिटी व IVF सेंटर बेबी जॉय से संपर्क कर सकते हैं। बेबी जॉय में हर हफ्ते 19 बच्चे और हर रोज 3 बच्चे पैदा होते हैं। हमारे यहाँ अधिकतम सफलता दर पे बहुत ही कम कीमत पे IVF का इलाज किया जाता है। बेबी जॉय एक विश्व स्तरीय IVF सेंटर है जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव हर निसंतानता से जूझते हुए कपल को बच्चा देने का है। धन्यवाद।